कहते हैं किस्मत से बलवान कोई नहीं होता, नसीब जिसका साथ देता है वो अच्छे अच्छों को मात दे देता है। किस्मत हो तो मौत को भी मात दी जा सकती है। वैसे तो आजकल के दौर में नसीब किस्मत की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन 7.5 अरब की आबादी वाली इस दुनिया में कई ऐसे उदाहरण भी मौजूद हैं जिनके बारे में जानकर आपको भी एक बार किस्मत पर यकीन हो ही जाएगा। आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे दुनिया का सबसे बदकिस्मत भाग्यशाली इंसान कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई व्यक्ति एक साथ बदकिस्मत और भाग्यशाली दोनों कैसे हो सकते हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं इस शख्स की कहानी। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। इस शख्स का नाम है फ्रेंस सेलक। ये एक क्रोएशियाई नागरिक है और संगीत के शिक्षक हैं। 14 जून 1929 को जन्मे सेलक अपने जीवन के दौरान कई बार भयानक स्थितियों में घिरे, लेकिन वो हमेशा उनसे बचकर निकलने में कामयाब रहे। उनकी परेशानियों का सिलसिला 1962 में शुरू हुआ। ये जनवरी का महीना था। फ्रेन सर्जियो से डब्रोवनी की तरफ जा रहे थे। तब सर्दी के मौसम में अचानक वो ट्रेन जिसमें वो यात्रा कर रहे थे लाइन में खराबी आने के कारण पटरी से उतर गई और बर्फीली नदी में गिर गई, जिससे कि 17 यात्रियों की मौत हो गई। लेकिन सौभाग्य से फ्रेन को किसी ने बाहर निकाल लिया था। हालांकि उनकी एक बांह टूट गई थी और उन्हें हाइपोथर्मिया का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनके साथ हुई दुर्घटनाओं का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। अगले साल 1963 में फ्रेन को पता चला कि उनकी माँ बीमार है, जिनसे मिलने के लिए उन्होंने जगरेब से रिजेका के लिए फ्लाइट पकड़ी। ये उनकी पहली हवाई यात्रा थी। हालांकि फ्लाइट पूरी तरह से बुक हो चुकी थी, उन्होंने किसी तरह से एयरलाइन को मना लिया और उन्हें फ्लाइट अटेंडेंट के साथ विमान के पिछले हिस्से में बैठने की अनुमति मिल गई। बीच रास्ते में हवाई जहाज के दोनों इंजनों ने काम करना बंद कर दिया और कैबिन का दबाव कम हो गया। इस दौरान प्लेन के क्रू ने फ्रेन को एक टूटे हुए दरवाजे से बाहर पैराशूट बांध कर छोड़ दिया, जबकि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसमें मौजूद 19 लोग मारे गए थे। यहाँ एक बार फिर से फ्रेन ने मौत को चकमा दे दिया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने कभी हवाई यात्रा ही नहीं की। विमान हादसे के 3 साल बाद 1966 में फ्रेन एक बस की सवारी कर रहे थे जो सड़क से फिसलकर नदी में जा गिरी। इस हादसे में 4 यात्री डूब गए। हालांकि फ्रेन तैरकर तट पर आ गए और कुछ मामूली चोटों के बाद बच गए। सार्वजनिक परिवहन के साथ इस तरह के भयानक अनुभव होने के बाद फ्रेन ने ज्यादातर अपनी कार से यात्रा करने का फैसला लिया, लेकिन उनकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। 1970 में उनकी कार में उस समय अचानक आग लग गई जब वो गाड़ी चला रहे थे। हालांकि इस हादसे में भी फ्रेन एक वक्त पर कार से बाहर कूद गए और चंद सेकंड में उन्होंने अपनी आंखों के सामने ईंधन टैंक में विस्फोट होते हुए देखा। वहीं 1973 में पिछले घातक कार दुर्घटना के 3 साल बाद फ्रेन के साथ एक और कार हादसा हुआ। उनकी कार का ईंधन पंप टूट गया, जिससे इंजन में आग भड़क गई और उसमें से भीषण लपटे उठने लगी। इस हादसे में उनके बाल पूरी तरह से झुलस गए थे, लेकिन वो मौत के करीब जाकर एक बार फिर से बच गए। एक अन्य घटना में 1995 में एक बस ने टक्कर मार दी थी, मगर इस दुर्घटना में भी फ्रेन की किस्मत अच्छी रही और कुछ मामूली चोटों के साथ वो बच गए। इसके बाद 1996 में क्रोएशियाई पहाड़ों में ड्राइविंग करते वक्त संयुक्त राष्ट्र के एक ट्रक के साथ सीधी टक्कर से बचने के लिए उनकी कार रेलिंग में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और पहाड़ से 300 फीट नीचे खाई में जा गिरी। लेकिन इस हादसे में फ्रेन किसी फिल्मी हीरो की तरह कार से कूदकर एक पेड़ पर कूद गए और उसे पकड़ लिया और लटक गए। यहाँ फिर एक बार फ्रेन ने मौत को मात दे दी। ये उनके जीवन की अंतिम घातक दुर्घटना थी और उसके बाद से वो ऐसी किसी घटना का शिकार नहीं हुए। 7 बार मौत को मात देने के बाद फ्रेन ने 2003 में 73 साल की उम्र में एक लॉटरी जीती। इस लॉटरी की रकम $11 लाख थी। उन्होंने लॉटरी की राशि से 2 घर और एक नाव खरीदी और आखिरकार 2010 में उन्होंने मितव्ययी जीवन शैली जीने का फैसला लिया और अपनी अधिकांश दौलत अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को देने का फैसला किया।